मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? हाँ जी, आज हम लोग एलसीएम देखने वाले। बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिविजन करते हैं ना, तो रिविजन करेंगे। आपको बताना है, क्या बताना है? आपके सामने एक बहुत प्यारा सा नंबर है 48। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। भैया जी, हमको आता है अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो फटाफट से जल्दीबाजी में इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? और आप बताओगे इस 49 का आखिर रोमन नंबर क्या होता? अगेन 29 का भी रोमन नंबर क्या होता ये भी बताना है। अगेन साथ ही साथ आप मुझे ये भी बता दोगे कि 77 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलो जल्दी से बनाओ, बन गया होगा। अब यहाँ देखो, हाँ जी, हम लोग अभाज्य गुणनखंड में क्या देखे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभाज्य संख्या होता, कौन कौन? दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब जो अभाज्य संख्या है, समझ रहे हो ना? अभाज्य संख्या जो है, इस अभाज्य संख्या से बारी बारी से इसमें भाग लगाते हैं। तो पहले दो से भाग लगाएंगे, देखते हैं दो से भाग लगता है कि नहीं लगता है। भैया जी, हाँ जी, दो से तो भाग लग गया 24 बार में। तो यहाँ 24 बार में दो से भाग लग गया। अब 24 भाग लगता कि नहीं लगता, देखते हैं। देखो हम लोग स्टार्टिंग दो से करेंगे, पता होगा आपको। हाँ भैया, ये सब तो हलवा है। 12 बार में आया तो 12 बार में आ गया। 12 के 12 2 के पारे में 6 बार में आता, 6 2 के पारे में 3 बार में 3 1 बार में बन गया 48 का अभाज्य गुणनखंड। कितना हुआ? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 गुना करके नहीं लिखना है, बस यही तक। चलिए 77 का पहले देखेंगे, दो बार में भाग लगता कि नहीं लगता, फटाफट से 77 दो बार में भाग। भैया जी देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है, तो कितना हो गया? भैया पूरा पूरा तो नहीं कटा, नहीं कटा पूरा पूरा। अब क्या किया जाए? नहीं कटा तो 2 छोड़ दो, 3 से भाग लगाते हैं। 3 से भाग लगा के देखते हैं ये करता है कि नहीं करता। भैया जी क्यों नहीं कट रहा? ये नहीं कट रहा तो अब क्या किया जाए? 3 नहीं 5 से भाग लगाते हैं। जब हम लोग भाग का नियम सीख लेंगे ना, डिविजिबिलिटी रूल, तो ये सब हलवा हो जाएगा। ठीक, वो भी सीख लेंगे, घबराना नहीं है। अब 5 से भाग लगा के देखते ये भाग लगता है कि नहीं लगता है। 5 से भाग लगाएंगे लगाएंगे, सिर्फ जब जान जब आपको मैं भाग का रूल सिखा दूंगा ना, सिर्फ एक बार देखोगे हाँ ये इसे भाग लग जाएगा। वो रूल सीखने के बाद इसके अगले क्लास में हो सकता है मेरे वो, हाँ अगले क्लास में या तो मौसो या तो वो रूल हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो कितना हो गया? 15 भाग नहीं लगा, इसके वजह से भाग नहीं लगा। अब क्या किया जाए? 7 से देखते हैं, 77 भाग लगता कि नहीं लगता। हाँ भैया जी लगता तो है, इसे भाग लग जाएगा 11 बार में। तो 11 बार में भाग लग गया। अब 11 मेरा 11 से खाएगा, तो 11 11 से 1 बार में खाएगा। यही आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। कितना प्यारा था। 49 का रोमन नंबर क्या होगा वो बताना है। 49 का रोमन नंबर, भैया जी ये तो मुझे पता है 49 का रोमन नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते 49, अगर समझ में नहीं आता तो इसका हम लोग प्लेस वैल्यू लिखते। 9 की जगह पे 9, 4 की जगह पे 4, 9 के बाद कोई अंक नहीं, 4 के बाद 1 अंक, 4 में 1 0 हो गया। 40 को रोमन नंबर में क्या कहते? XL कहते, बिल्कुल सही। 9 को क्या कहते? IX कहते। तो लिख दो ना XLIX, बन गया, काम हो गया, इतना सा तो काम करना था। हाँ जी, 29 को किस प्रकार लिखेंगे? 29 है 9 की जगह पे 9, 2 की जगह पे 2, 2 के बाद 1 अंक, तो 2 में 1 0। ठीक, 20 को क्या लिखते? 2x, 9 को क्या लिखते? IX, हो गया डबल एक्स आई एक्स। चलिए हम लोग एलसीएम की तरफ बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, ये सबको हटाया जाए। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। भैया जी एलसीएम पहले निकालना सीखेंगे, फिर एक मतलब हम लोग जो है ना, अच्छा सब पहले सीखो, मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे वैसे सीखना है आपको। चलिए एलसीएम में क्या करना उसको समझो। एलसीएम में अभी तक हम लोग क्या देखे? प्राइम फैक्टर में भैया जी कोई भी नंबर दिया हुआ था, ऐसे मान लीजिए 16 दिया हुआ है, और आगे में हमको कुछ नहीं, तो सबसे छोटा संख्या क्या है उससे भाग लगाते थे। हाँ भैया, तो 2 से भाग लगाते थे 8 बार में। सेम यही फंडा एलसीएम में भी होता, लेकिन उसमें 2 या 2 से अधिक संख्या के लिए होता। भैया कुछ समझ में ना आवत है? देखो कैसे, मान लीजिए 2 है 4 है और 6 है। अच्छा 2 4 से फ्लो, पहले हमको 2 4 का एलसीएम निकालना है। ये डिवीजन मेथड से भी हम लोग सीखेंगे। भैया जी इतना मेथड का नाम कहाँ लिखते हैं आप? हाँ कहाँ लिखते इतना नाम, ऐसे समझाइए हम समझ में, हमको समझ में आ जाएगा। सुनिए 2 4 यहाँ दिया हुआ था। हाँ जी, अगर आप बोला जाता 2 का लिखिए आप
प्राइम फैक्टर और 4 का प्राइम फैक्टर, तो आप क्या करोगे, 2 2 के बारे में 1 बार में आता तो 2 बराबर 2 गुना 1, 4 2 के बारे में 2 बार में, फिर 2 2 के बारे में 1 बार में, तो 4 को लिखते 2 गुना 2 गुना 1। हाँ जी, वो तो हो गया आपका प्राइम फैक्टर। लेकिन एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में देखेंगे 2 और 4 दोनों किस पहाड़ी में आ रहा, मतलब 2 और 4 दोनों किस पहाड़ी में आ रहा वो सोचना है। अब दिमाग लगाओ किस पहाड़ी में आता, क्या ये दोनों 2 के पहाड़ी में आता है? हाँ भैया आता है, जब हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे ना तो इस पहाड़ी में 2 भी आता है और 4 भी आता है, आता है, इसका मतलब दोनों पहाड़ी में आना चाहिए। ये बात पहले माइंड में बैठा लेना, दोनों 2 के पहाड़ी में आता, 2 के पहाड़ी में ये 2 1 बार में आता तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, ये 4 जो है 2 बार में आता तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी, चलिए यहाँ कोमा लगाना है, कोमा लगा दी, 1 और 2 1 और 2 क्या 2 के पहाड़ी में आ रहा, 3 के पहाड़ी में छाड़ के, भैया जब 1 आ जाएगा ना छोड़ देना है, ठीक, 1 से नहीं खा, 1 से भाग नहीं लगाना, ठीक है, हो गया यही तक आपको काम करना है। तो एलसीएम क्या हो गया, जो बाहर बाहर बचा, 2 है 1 है 2, तो 2 गुना 1 गुना 2, 1 को नहीं भी लिखोगे तो कोई समस्या नहीं, हटा दो 1 को, अब गुना कर दो, 2 दूनी 4, बस 2 का पहाड़ा 2 बार 4, कितना हल्का था। सेकंड क्वेश्चन, इस दोनों को ले लिए, ठीक, अब भैया किसको ले, अब इस दोनों को लेते हैं, क्वेश्चन खुद से बनाना है, पहाड़ा लिख लो और क्वेश्चन खुद से बनाओ, 6 और 8 ले लिए, ठीक, अब ये 6 8 क्या 2 के पहाड़ी में आता, हाँ भैया 2 के पहाड़ी में आता है, 6 कितने बार में आता, 1 2 3 बार में आता, तो 3 बार में 6 आया, 8 कितने बार में आता, 1 2 3 4 बार में आता, तो 4 यहाँ लिख दिए, ठीक, क्या 3 और 4 आता है इसमें कहीं पर, किसी और पहाड़ी में सोचो भैया, ना तो 2 के पहाड़ी में 3 और 4 कहीं पर है, 4 तो दिखा लेकिन 3 ना दिखत है, 3 के पहाड़ी में भी आपका 4 ना दिखत है, तो बस यहीं तक छोड़ देना है, ठीक। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जितना बाहर दिख रहा सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 4, 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 दिया 6, 6 का पहाड़ा 4 बार, समझ में नहीं आता, सुनो कैसे बनाना है, 2 का पहाड़ा 3 बार 6 हुआ, 6 यहाँ रफ में लिखना, फिर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 24, तो 24 आंसर हुआ, समझ में नहीं आता तब, वैसे समझ में आ जाएगा। चलो अब इस दोनों को लेंगे, 10 को और 12 को लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, 10 भैया और 12 भैया, तो 10 क्या 10 और 12 दोनों ऐसा पहाड़ा जिस पहाड़ी में आ जाए, तो बोलोगे भैया 10 और 12 ये 2 के पहाड़ी में आ रहा है, दोनों आना चाहिए, कम से कम दोनों आना चाहिए, तो दोनों मेरा 2 के पहाड़ी में आ रहा, 10 1 2 3 4 5 बार में आ रहा, 12 जो है 1 2 3 4 5 6 बार में आ रहा, आ गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 6, तो 2 5 10, गुना नहीं आता पहले इस दोनों को गुना करो, 2 5 10 गुना, यहाँ 6 है तो 6 से गुना किए 60 हो गया, हाँ भैया जी, तो 60 इस तरह निकालना, ठीक। अब 14 और 16 को करेंगे, बिल्कुल से 14 और 16 को करेंगे, तो करते हैं ना, अभी तो हल्का लग रहा होगा, छाटा भारी नहीं लग रहा होगा, अब धीरे धीरे हम लोग का लेवल अप होगा। वैसे कितना समय बचा है भैया जी, 11 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, 14 और 16, ठीक, दोनों 2 के पहाड़ी में आता, हाँ भैया आता है, 14 कितने बार में आता, 14 मेरा आता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बार में आता, 16 हमारा, हाँ भैया जी 8 बार में आता, भैया जी इस तरह बना रहे हैं ना, तो सिर्फ 1 बार ही आ रहा है, अच्छा पहले 1 बार तो सीखो, पहले दिमाग में बैठाओ तो सही कैसे हो रहा है, उसके बाद तो मैं देख लूंगा। तो एलसीएम कितना हो गया, कितना क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन ना, हाँ भैया जी एलसीएम कितना हो गया, बाहर जितना है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14 14 गुना 8 करो, आता है बना 14 का पहाड़ा 8 बार कर लो, भैया जी हमको आता है, ठीक बन गया, कहां कोई समस्या, चलिए ये सब हो गया। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन, इस दोनों को साथ रखना है 18 और 20 को, चलिए 18 और 20, ऐसा कोई एक पहाड़ा जिसमें 18 और 20 दोनों आना चाहिए, हाँ भैया 2 के पहाड़े में स्पष्ट दिख रहा है 18 और 20 दोनों आ रहा है, सबसे छोटा पहाड़ा लोगे तो और अच्छी बात है, तो 2 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक, कितने बार में, 9 बार में 18 आ रहा, और 20 जो है 10 बार में आ रहा, ठीक, 9 और 10 किसी एक पहाड़े में आ रहा, भैया ना तो 2 के पहाड़े में, ना तो 3, ना तो 4, ना तो 5, एक का पहाड़ा नहीं लेना है, ठीक। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 गुना 9 गुना 10, जितना बाहर में है सबको मल्टीप्लाई कर देना, 2 का पहाड़ा 9 बार, कितना होगा, 9 दूनी 18 गुना 10, तो 180 हो गया, इस दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हम लोग 2 के पहाड़े से बनाए, कहीं कोई समस्या
नहीं भैया जी, तो आप क्या करोगे, यहीं पर आप रुक जाओगे। पहले आप 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा और 5 के पहाड़े तक जाना है, बस ज्यादा नहीं जाना है, बस 5 के पहाड़े तक ही आपको बनाना है। 5 के पहाड़े तक आपको सेम, हम 2 का पहाड़ा बनाए अभी, आपको 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा और 5 के पहाड़े पर ऐसे आपको एलसीएम बना लेना। टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 5 5 5, 15 क्वेश्चन टोटल हुआ। जब आप 15 क्वेश्चन बना लोगे ना, इसके बाद आपको आगे बनाना है, तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग जब आप 3 क्वेश्चन बना लोगे, तब आपके दिमाग में रहेगा कि एक ही पहाड़ी में आना चाहिए, ये दिमाग में बैठ जाएगा। बस इसी बात को दिमाग में बैठाना है आपको कि एक ही पहाड़ी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 3 पहाड़ी बनाने के बाद ये दिमाग में बैठेगा ही बैठेगा कि किसी एक पहाड़ी में कम से कम कोई 2 संख्या आना चाहिए। ठीक, चल इस बात को तो समझ गए, अब आगे बढ़े। हाँ भैया आगे बढ़े, चल इसको मिटा दें। हाँ मिटाइए भैया, कहीं कोई समस्या ही नहीं। इसको उसी तरह बनाना है, 3 का पहाड़ा लिख लेना, ऊपर का 2 अंक, फिर 2 अंक, 2 अंक, 2 संख्या, इस तरह करते हुए आपको बनाना है। अब आगे देखना है, अब तो हलवा हो गया। अब क्या हुआ, हलवा भैया जी, हलवा कैसे हुआ, कुछ समझ में आ रहा है हल्का फुल्का? आएगा, एलसीएम भारी थोड़े है, ये समझ में आएगा आपको। चलिए अब क्या करना, अब नया नया क्वेश्चन बनाएंगे ना हम लोग। हाँ भैया जी, नया नया क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब इस साइड 2 का टेबल और कोमा देके 3 का टेबल। भैया आप ऐसा ही क्यों लेते, कोई नहीं, आप खुद क्वेश्चन बनाओ और खुद बनाओ, उसको अपने से बनाओ, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, इसलिए मेथड है। पहला क्वेश्चन, 2 का पहाड़ा 1 बार 2, 3 का पहाड़ा 1 बार 3, इसका एलसीएम निकालते हैं। भैया जी 2 और 3, किसी कोई ऐसा पहाड़ा खोजो जिसमें 2 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। भैया 2 और 3 किस पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में तो 3 नहीं आता, मतलब 3 के पहाड़े में भी 2 नहीं आता, मतलब ये 2 और 3 किसी पहाड़ी में नहीं आएगा, 1 को छोड़कर 1 को नहीं लेना है। ठीक, जब कोई पहाड़ी में आ ही नहीं रहा तो डायरेक्ट एलसीएम, जो अंदर में उस दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बना के नहीं बना, बनाने के बाद आगे बढ़ना है, बनाने के बाद आगे नहीं बढ़ोगे तो काफी समस्याएं आएंगे, पहले बनाओ तो आगे बढ़ना है। ठीक, 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई, यहाँ क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 और 3 किसी पहाड़ी में नहीं आ रहा था, सत्यानाश हो गया। 2 और 3 का मल्टीप्लाई अच्छा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 3 का पहाड़ा 2 बार 3 दूनी 6। अब देखो 4 और 6 किसके पहाड़े में आता, भैया हाँ 4 और 6 हमारा 2 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता 6 3 बार में आता, हो गया। तो एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम बराबर बाहर में जितना है सबको मल्टीप्लाई करना, 2 गुना 2 गुना 3। अब बोलोगे भैया इसको काहे नहीं देखे, 2 और 3 किसके पहाड़े में आता ना, तो 2 के पहाड़े में 2 और 3 दोनों आना चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों आना चाहिए, कम से कम 2 को आना चाहिए। भैया यहाँ तो 2 को है ही, 2 तो आता लेकिन 3 नहीं आता, तो नहीं लेंगे, दोनों आना चाहिए। हाँ भैया चल इसको मल्टीप्लाई कर, 2 दूनी 4 4 3 12 बन गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 2 का पहाड़ा 3 बार 2 दिया 6 3 दिया 9। अब देखो 6 और 9 किसके पहाड़े में आता, भैया 2 के पहाड़े में 6 तो आता लेकिन भैया 9 नहीं आता, 8 के बाद 10 आता है, तो 2 का पहाड़ा नहीं लेंगे, तब किसका पहाड़ा लेंगे, अब 3 का पहाड़ा देखेंगे, पहाड़ा याद है ना, 3 का पहाड़ा पर 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 3 का पहाड़ा लेंगे। बस इसी चीज को समझना है, आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ा लें कि कम से कम 2 संख्या आ जाए मेरा उस पहाड़े में। 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता, अगर पहाड़ा याद नहीं है, पहाड़ा तो याद होगा, 3 के पहाड़े में 6 2 बार में 9 3 बार में, बस काम खत्म। हाँ जी 2 और 3 किसी पहाड़े में आता ना, भैया 2 तो आता 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, कम से कम दोनों आना चाहिए, तो एलसीएम देख के दोनों लिख लेंगे, जितना बाहर है सबको मल्टीप्लाई, 3 गुना 2 गुना 3, 3 दूनी 6 6 दिया 18 बन गया। चौथा क्वेश्चन, 2 चौके 8 3 चौके 12। अब देखिए 8 और 12 किसके पहाड़े में आता, क्या 2 के पहाड़े, पहले सोचो कम से छोटा पहाड़ा देखना है, छोटा पहाड़ क्या 2 के पहाड़े में आता, सुन लो मैं फाइनली कह रहा हूं, ये आसान तब हो जाएगा जब मैं आपको भाग का नियम पढ़ा दूंगा। ठीक, चलिए 8 और 12 किसके पहाड़ी में आता, तो 8 तो आ गया 12 भी आ गया, 2 के पहाड़े में आता, 8 4 बार में, 2 चौके 8 12 6 बार में आ गया, क्या 4 और 6 भी किसी के पहाड़े में आता, भैया 4 और 6 देखते हैं, 4 और 6 हाँ भैया 2 के पहाड़े में आता, तो उसको फिर से घेरो, ये 2 के पहाड़े में 4 2 बार में है, 6 3 बार में है, कोमा देना है याद रखना, तो यहाँ 2 और 3 आया, कहीं कोई समस्या, अब 2 और 3 है, क्या ये 2 और 3 भी 2 के पहाड़े में आता, भैया 2 और 3 जो है 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो नहीं लेना है।
तीन के पहाड़े में दो नहीं आता तो नहीं लेना, दोनों कम से कम दो संख्या आना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या गिरा, कम से कम दो संख्या आना चाहिए, ठीक। तो एलसीएम क्या हो गया, जितना बाहर में सबको मल्टीप्लाई, दो गुना दो गुना दो गुना तीन, दो दुनी चार, चार का गुना दो बार, चार दुनी आठ, आठ का गुना तीन बार, चौबीस, ठीक। गुना करने नहीं आता, सुनो कैसे करना, दो दुनी चार कर दिए यहां तक किए गुना, फिर चार गुना दो करेंगे, कितना आठ हो गया, फिर आठ गुना तीन करेंगे, चौबीस, इस तरह करना, ठीक। समझ में आया? हाँ जी, बड़ा समझ में आ जाएगा। दो का गुना दो बार चार, फिर चार का गुना दो बार आठ, फिर आठ का गुना तीन बार चौबीस, ठीक। इतना प्यारा प्यारा चीज है। फिर पांचवा क्वेश्चन, दो पंचे दस, तीन पंचे पंद्रह, चलिए दस और पंद्रह किसके पहाड़े में आता? भैया जी दो के पहाड़े में पंद्रह नहीं आता है, सोचो पहाड़ा पढ़ो, दो का पहाड़ा में पंद्रह नहीं आएगा, तीन के पहाड़े में दस नहीं आता है, तीन के पहाड़े में दस नहीं आता है, ठीक। उसके बाद भैया क्या करें, चार के पहाड़े में दोनों में से कोई नहीं आता, पांच के पहाड़े में दस आता और पंद्रह दोनों आता, तो पांच के पहाड़े में आता, पांच दूनी दस, पांच दिया पंद्रह, देखो कितना दिमाग लग रहा है, दिमाग लगा रहा है। तो एलसीएम क्या हो गया, इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, पांच गुना दो गुना तीन, काम खत्म। ठीक है, दो और तीन को क्यों नहीं किए, ये ना तो दो के पहाड़े में तीन नहीं आता, कम से कम दो संख्या आना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, भैया जी क्या कह रहे हैं आप बार बार, कम से कम दो संख्या आना चाहिए, हाँ जी, सबका मल्टीप्लाई, पांच दूनी दस, दस गुना तीन तीस, चलिए इस तरह बड़े प्यार से बड़े नाजुक ढंग से इसको बनाना है। छठा क्वेश्चन क्या होगा, दो का पहाड़ा छह बार, बारह, तीन का पहाड़ा छह बार, अठारह, अब देखो बारह और अठारह किस पहाड़े में आता, भैया क्या दो के पहाड़े में आता बारह अठारह, सोचिए, हाँ भैया बारह भी है और अठारह भी है, तो दो के पहाड़े में बारह छह बार में आता, अठारह नौ बार में आता, छह और नौ क्या दो के पहाड़े में आता, दो के पहाड़े में नौ नहीं आता है, तो दो का पहाड़ा नहीं लेंगे, कम से कम दो संख्या आना चाहिए, सिर्फ एक संख्या आ रहा है, दूसरा संख्या नहीं आ रहा, कम से कम ये दो संख्या आना चाहिए, हाँ जी, तीन के पहाड़े में छह भी आता और नौ भी आता, तीन दूनी छह, तीन दिया नौ, कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी। तो एलसीएम क्या हो गया, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, दो गुना तीन गुना दो गुना तीन, हो गया दो दिया छह, छह दूनी बारह, बारह दिया छत्तीस, बस इसी तरह बनाना है, इसी तरह हम लोग को टोटल आठ क्वेश्चन बनाने हैं, सातवां क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन बना लोगे, कहीं कोई समस्या नहीं। आपका होमवर्क रहा, यहां से होमवर्क ध्यानपूर्वक सुनना, ज्यादा नहीं मिलेगा आपको होमवर्क, आपको तीन का और चार का इस पे काम करना है, फिर आपको चार का और पांच का इस पर बनाना है, बस दो क्वेश्चन आपके सामने है, इसके बाद और हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक। चल आज के लिए इतना ही, एलसीएम पहले सीख लो हल्का हल्का, उसके बाद सब अच्छे से मच रहे हो, इतना सीखने के बाद हम लोग बेहतर ढंग से हर चीज को देखेंगे, अब इससे बनाने के लिए सीख रहे हैं, बनाओ पहले उसके बाद और अच्छे ढंग से सीखेंगे। चलो तुम साथ हो जो मेरे रे।